हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली एंड टुडे आई एम गोना गिव यू अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्यूटी ब्लेंडर। बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि ये वेट ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है, डैम ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है, और मोस्टली लोग जो है वेट और डैम ब्यूटी ब्लेंडर को सेम समझते हैं, यानी कि जो वेट मतलब होता है गीला, तो वेट या डैम कुछ भी बोलो तो वो समझते हैं कि गीला ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर बेसिकली वो प्रोडक्ट होता है मेकअप का जिससे हम अपने मेकअप को ब्लेंड करते हैं। ये कुछ इस तरह की शेप में होता है एंड ट्रायंगल भी आता है, कई तरह के शेप्स आते हैं और अब तो बहुत एडवांस अच्छे अच्छे आने लगे हैं जिनकी क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग होती है, बहुत सुपर्ब होती है। पता ही नहीं चलता है कि स्किन पे वो जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको हम जो है अप्लाई कर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू फ्यू पॉइंट्स अबाउट डैम एंड वेट ब्यूटी ब्लेंडर, प्लस हमें डैम या वेट ब्यूटी ब्लेंडर कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहिए जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। इफ़ उसके बाद भी कोई डाउट या क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ना। ये जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है इसका काम क्या होता है, बेसिकली हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा एक्सेस मेकअप होता है वो सारा इसमें आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी यूज़ भी है काफ़ी एंड हमें इसको रेगुलर बेसिस पे वॉश कर लेना चाहिए। डिपेंड करता है कि हमने इसको कितना यूज़ किया है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि हमें इसको रेगुलरली वॉश करना चाहिए एटलीस्ट वंस अ वीक, ताकि इसमें जो है राइज ना हो सके बैक्टीरिया। बहुत जल्दी जो है बैक्टीरिया इस पर कैचअप होते हैं, तो इस पे भी और मेकअप ब्रशेस पे भी, तो हमें उसे रेगुलरली क्लीन कर लेना चाहिए। और हमेशा हमें डैबिंग मोशन में ही ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना चाहिए, हमें ड्रैग नहीं करना है ओके, और ना ही सर्कुलर मोशन में इसको यूज़ करना है, हमेशा डैब करते करते हमें यूज़ करना है ओके। नाउ जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वेट और डैम ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है, सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ये ग्लास में पानी है और इसमें मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर को डाल दिया ओके। सो अब ये क्या हो गया, ये हो गया वेट ब्यूटी ब्लेंडर और इसमें से पानी भी निकल रहा है। नाउ डैम ब्यूटी ब्लेंडर क्या होगा, अगर हम इसी पानी को अच्छी तरह से स्क्वीज कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से ओके स्क्वीज कर लिया, उसके बाद हम नॉर्मली कोई भी टिश्यू पेपर को लेके या कोई भी टॉवल लेके अच्छी तरीके से उसको पूरा सोक कर लेंगे, तो ये हमारा बन गया डैम ब्यूटी ब्लेंडर। और हमें इसे बहुत ही अच्छे से थॉरली करना है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा वाटर रहेगा तो ये जो है मेकअप को ख़राब करेगा, अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं होगा, मेकअप स्टिक भी नहीं हो पाएगा स्किन पे। सो हमें हमेशा डैम ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना है, वेट ब्यूटी ब्लेंडर को नहीं यूज़ करना है। और डैम ब्यूटी ब्लेंडर को हमें तब यूज़ करना है, हमें देखना है कि हमारी स्किन किस टाइप की है, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है। और नॉर्मली हमें जो हमारा ब्लेंडर होता है, ब्यूटी ब्लेंडर होता है, हम उसी को अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि क्रैक्स पड़ रहे हैं, पैची हो रहा है मेकअप है ना, तो हम इसको आराम से अच्छे तरीके से वॉश करके फिर उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके, जैसे कि मैंने भी किया था, और किसी भी साफ टॉवल में या एब्जॉर्बेंट पेपर पे या टिश्यू पेपर पे जो कि क्लीन हो ओके, उस पर हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह से कर लेंगे। सो सारा एक्सेस जितना भी वाटर होगा उसके साथ साथ जो भी मेकअप होगा यू कैन सी वो सब भी आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको डैबिंग मोशन में अप्लाई करेंगे। ये आराम से ड्राई हो चुका है और बहुत ही हल्का सा इसमें मॉइस्चर है, सो ये मॉइस्चर मेकअप को मिक्सअप करके अच्छा ही लुक देगा, सो हम इसको अब यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग यूजिंग मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर और वॉन्ट टू नो मोर टिप्स एनी थिंग, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, सो डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।